ఇక రోడ్డు ప్రమాదాలపై అందరిలో అవగాహన కల్పించేందుకు వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టారు జాదూగర్ ఆనంద్. వాళ్ల టీంలో సభ్యుడైన జూనియర్ ఆనంద్ కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని బైక్ నడిపించారు. హైదరాబాద్ సంజీవియా పార్క్ నుండి పీపుల్స్ ప్లాజా వరకు నడిపారు. కళ్లు ఉండి కూడా చాలా మంది వాహనాలు నడుపుతూ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారని జాదూగర్ ఆనంద్ అన్నారు. ఇది ఎంతో ప్రాక్టీస్తో కూడుకున్నదని ఆయన అన్నారు. కేవలం నిర్లక్ష్యం వల్లే ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని, అవగాహన ఉంటే ప్రమాదాల బారిన పడనన్నారు. अनुभव था और सबसे पहली बात कि आप लोगों ने खुद महसूस किया कि हमें इस प्रोग्राम को करने में थोड़ा टाइमिंग लगा, इसलिए क्योंकि पूरा प्रोटेक्शन और परमिशन के बगैर हम लोग थोड़ा लेट थे. बहुत अच्छी बात है कि उस पर इतना सशक्त है, यहाँ का जो नियम है बहुत अच्छा है और पहले से जागरूक है. लेकिन एक छोटी सी कोशिश हमारी भी थी कि हम भी इसको अपने तरफ से जादू के माध्यम से एक और अपन इस पर जोड़ सकें कि आप लोग भी सुरक्षित ड्राइविंग कर सकें. फीलिंग तो थोड़ा सा डर भी था, थोड़ा सा उत्साह भी था, लेकिन आप लोगों का जब प्यार मिला और इतने सारे लोग जब यहाँ पर एक साथ मौजूद थे तो वो डर ऑटोमेटिक दूर हो गया. जिन्हें जो चार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं उसमें से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी है कि इन्होंने भोपाल से इंदौर से भोपाल तक 310 किलोमीटर की जो बाइक राइड है आँखों में पट्टी बांधकर मात्र 3 घंटे में पूरा किया. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम है. और ये जो आँख में पट्टी बांध के प्रदर्शन करने का जो दौर शुरू हुआ वो जादूगर आनंद जी ने ही शुरू किए. ये जो पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाने का हम लोग करने जा रहे हैं, इसका हमारे एक सोशल कॉज है, एक पर्पस है. यानी सिर्फ जादू नहीं दिखा रहे हैं, एक मैसेज हम देना चाहते हैं इस खूबसूरत शहर को और यहाँ के बाशिंदों को. इसके लिए आप इस बात पे प्लीज बिलीव, आज तक पूरी दुनिया में एक भी अंधा आदमी रोड एक्सीडेंट में कभी नहीं मरा है. जितने लोग मरते हैं वो सब सुंदर आंखों वाले लोग होते हैं जैसे हमारी और आपकी. और जितने लोग हर साल दुनिया में रोड एक्सीडेंट में मरते हैं वो बड़े बड़े वॉर में नहीं मरते हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जितने वॉर हुए हैं, अफगान वॉर हो, इराक वॉर हो, पाकिस्तान वॉर हो, चाइना वॉर हो, उतने लोगों की मौत नहीं हुई जितने हर साल लोग पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं. एक आदमी जो अपनी कमाई से परिवार को पाल रहा है, अचानक यदि उसको कुछ हो जाता है तो पूरा परिवार अनाथ हो जाता है. लंगड़ा लूला हो गया तो बेसहारों पर वजन बन जाता है. कारण क्या है? ड्राइव करते समय हमारा या किसी और का सेकंड के किसी हिस्से के लिए उसका माइंड को डाइवर्ट होना.